Children, now in this video, we will find the estimated quotient. Here you can see this is the question 193 divided by 23. यहां पर हमें estimated quotient निकालना है. First, सबसे पहले तो हम dividend और divisor को round off करेंगे. डिविडेंड में थ्री डिजिट्स हैं, 1, 2, 3, वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स. तो हम इसे 100 तक राउंड ऑफ करेंगे, नियरेस्ट 100. डिवाइजर में दो डिजिट है, देर आर टू डिजिट्स, सो वी विल राउंड दिस ऑफ टू नियरेस्ट टेंस. सो फर्स्ट आई एम राइटिंग राउंड ऑफ 193 to the nearest 100. याद है आपको हंड्रेड्स कैसे राउंड ऑफ करते हैं हम नियरेस्ट 100 तक. सो व्हाट वी विल डू, फर्स्ट राइट द नंबर 193. ओके, टेंस प्लेस में नंबर देखो, ये फाइव, अगर यहां पर 5 या 5 से ज्यादा होता है तो हम हंड्रेड्स प्लेस में 1 ऐड कर देंगे. सो 1 + 1, 2. और जो टेंस प्लेस का डिजिट है और वंस प्लेस का डिजिट है वहां पर हम जीरो लगा देंगे. सो 193 विल बी राउंडेड ऑफ टू 200. अब हम आते हैं डिवाइजर में, राउंड ऑफ 23 टू द नियरेस्ट 10. सो 23 विल बी राउंडेड ऑफ टू 20. टेंस में हम क्या करते हैं, वंस प्लेस का नंबर देखते हैं. इफ द नंबर इन वंस प्लेस इज लेस देन 5 तो हम टेंस में कुछ ऐड नहीं करेंगे, वो वैसे ही होगा 2, और जो नंबर हमने देखा है वहां पर एक जीरो लगा देंगे. यू कैन सी माय वीडियोस आल्सो, अर्लियर वीडियोस ऑफ राउंडिंग ऑफ, देयर यू कैन अंडरस्टैंड इट. अब हमने दोनों को राउंड ऑफ कर दिया है, नाउ वी विल डिवाइड. डिवाइड 200, 193 की जगह पे आप 200, 23 की जगह पे आप 20 लिखो. अब आप इसे डिवाइड करो, 200 डिवाइडेड बाय 20. टेक टू डिजिट, 20 ones are 20, पुट 0, 0, टेक दिस 0 डाउन, 20 0s are 0, डिविजन इज ओवर, क्वोशेंट कितना आया 10 एंड रिमाइंडर इज 0. सो एस्टिमेटेड क्वोशेंट आंसर आप लिखोगे लास्ट में, एस्टिमेटेड क्वोशेंट इज इक्वल टू 10. सो दिस विल बी योर आंसर. आई होप यू हैव अंडरस्टूड.